यंग एज से एक एक्ट्रेस बनने का सपना देखने वाली वो लड़की जो अपना स्कूल तक छोड़ने को तैयार थी, सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पर अपनी ट्वेल्थ पूरी करी। लेकिन एक्ट्रेस बनने का अपने मन में ठान चुकी वो लड़की आज किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, जिसने ये साबित करके दिखाया है टैलेंट के दम पर वह सब हासिल कर सकते हैं जिसे आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, जो है एक्ट्रेस अदा शर्मा। अदा शर्मा मूल रूप से एक तमिल ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन उनका जन्म मुंबई में ही हुआ 11 मई 1992 को। उनके फादर एसएल शर्मा मदुरई तमिलनाडु के रहने वाले हैं एंड मदर शीला शर्मा मलयाली हैं, जो कि पलक्कड़ केरला से बिलोंग करती हैं। अदा के फादर मर्चेंट नेवी में कैप्टन रह चुके हैं एंड उनकी मदर एक प्रोफेसर हैं। अदा के फादर का देहांत साल 2014 में ही हो गया था, जब वह बहुत छोटी थी। उनकी आगे की परवरिश उनकी मदर ने ही करी है। अदा यंग एज से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, इसलिए वह स्कूल भी ड्रॉप आउट करना चाहती थी, लेकिन अपने पेरेंट्स के मना करने पर कि अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद, जिसके बाद अपनी ट्वेल्थ करने के बाद अदा ने पढ़ाई छोड़ दी और एक्ट्रेस बनने की राह में आगे बढ़ी। अदा की लाइफ में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रोल उनकी मदर का रहा है। उनकी मदर एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर एंड योगा प्रैक्टिशनर है, जिसका कारण ही रहा अदा ने चाहे अपनी आगे की पढ़ाई ना करी हो, लेकिन अदा में टैलेंट कूट कूट के भरा है। अदा ने डांस सीखना सिर्फ 3 साल की एज से शुरू कर दिया था। अदा ने ट्वेल्थ के बाद पढ़ाई जरूर छोड़ दी थी, लेकिन उनका लगाव डांसिंग से कभी भी पीछे नहीं हटा था, जिसका ही कारण था कि अदा ने कथक, जो कि हमारे देश का क्लासिकल डांस फॉर्म है, उसमें अपनी ग्रेजुएशन करी नटराज गोपी कृष्णा कथक डांस अकेडमी मुंबई से। यही नहीं, अदा ने अमेरिका में रहकर सालसा भी सीखा करीब 4 महीने तक जैज एंड बैले डांस के साथ। अदा साथ ही एक ट्रेंड प्रैक्टिशनर भी है सिलाम्बम में, जो कि हमारे देश का वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट फॉर्म है। अदा ने अपने शुरुआती दिनों में काफी ऑडिशन दिए, लेकिन कभी अपने करली बालों के कारण तो कभी डायरेक्टर्स को ये लगता था कि वे बहुत यंग दिखती हैं किसी भी रोल के लिए। तब जाकर काफी मेहनत के बाद उन्हें अपने करियर का पहला ब्रेक मिला हॉरर मूवी 1920 में एज अ लीड एक्ट्रेस, जिसमें उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ करी गई। मूवी काफी हिट साबित रही, जिसके कारण अदा नॉमिनेट की गई एज अ बेस्ट फीमेल डेब्यू 54th फिल्म फेयर अवार्ड में, जिसके 3 साल बाद वह फिर नजर आई फिर एक हॉरर मूवी फिर में। लेकिन मूवी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। उनकी थर्ड फिल्म रही हम है राही कार के, जो 2 साल बाद जाकर रिलीज हुई फिर के बाद, लेकिन इसका प्रदर्शन भी काफी खराब साबित रहा।